सतरंगी राजयोग ध्यान। मानव जीवन एक सुंदर फूल के समान है। जब ये फूल दिव्य गुण की खुशबू से संपन्न है, तब मानव देवता कहलाता है। इसके विपरीत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों की प्रवेशता से वही मानव असुर बन जाता है। अपने जीवन को सुख शांति संपन्न बनाने के लिए हम भिन्न भिन्न वस्तुओं, पदार्थों एवं व्यक्तियों का आधार लेते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य अविनाशी प्रकाश पुंज है। अविनाशी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है, तब वो जीवात्मा कहलाती है। शरीर भौतिक ऊर्जा के अति सूक्ष्म कण परमाणुओं से निर्मित है। दो परमाणुओं के मिलन से अणु बनता है। अनेक अणु आपस में मिलकर तत्व एवं मिश्रण बनते हैं। आत्मा सात पराभौतिक ऊर्जाओं से निर्मित है। इन्हीं को आत्मा के मौलिक गुण एवं शक्तियां कहते हैं। ये ऊर्जाएं आत्मा की शक्ति, मन, बुद्धि एवं संस्कारों द्वारा प्रकट होती है। मनोवैज्ञानिकों की राय में 90% ऊर्जा संस्कार अथवा सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। मात्र 10% ऊर्जा मन बुद्धि में रहती है। आत्मा की भौतिक ऊर्जाओं को सफेद प्रकाश किरणों में समाई हुई 7 रंगों के साथ इस तरह भेंट कर सकते हैं। मैं आत्मा मन और बुद्धि से स्वयं को भ्रकुटी के मध्य अर्थात मस्तिष्क में चमकती हुई चैतन्य ज्योतिर्बिंदु सितारे के रूप में अनुभव कर रही हूँ। अब मैं विदेही आत्मा सूर्य चांद तारागण से पार सूक्ष्म लोक से भी परे अपने स्वदेश परम धाम में पहुंच गई हूँ। अब मैं परम शिक्षक शिव बाबा से निकलती हुई ज्ञान की गहरी नीली किरणों को मेरी ओर आते हुए देख रही हूँ। ये किरणें मेरे अंदर ज्ञान के गहरे नीले क्षेत्र को आलोकित कर रही है। अब मैं आत्मा शिव बाबा परम मां से निकलती हुई शांति की आसमानी रंग की किरणों को मेरी ओर आती हुई देख रही हूँ। ये किरणें मेरे अंदर शांति के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। मुझे परम शांति की अनुभूति हो रही है। अब मैं आत्मा शिव साजन से निकलती हुई आत्मिक प्रेम की हरे रंग की किरणों को मेरी ओर आती हुई देख रही हूँ। ये हरे रंग की किरणें मेरे प्रेम के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। अब शिव बाबा सखा से निकलती हुई अति इंद्रिय सुख की पीले रंग की किरणें मुझ आत्मा के सुख के क्षेत्र को आलोकित कर रही है। मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में
झूल रही हूँ। अब परम सद्गुरु शिव बाबा से निकलती हुई पवित्रता की नारंगी रंग की किरणें मेरे पवित्रता के क्षेत्र को प्रकाशित कर रही है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को संपन्न अनुभव कर रही हूँ। अब सर्वशक्तिवान शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियों की लाल किरणें मेरे शक्ति के क्षेत्र को भरपूर कर रही है। मैं आत्मा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव कर रही हूँ। अब शिव परमात्मा बालक के रूप में आनंद की बैंगनी रंग की किरणों से मेरे आनंद के क्षेत्र को आलोकित कर रहे हैं। मैं परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। ये किरणें मेरे आनंद के क्षेत्र को भरपूर कर साकार लोक में पहुँच रही है। इस प्रकार मैं आत्मा अपने सातों मौलिक गुणों से संपन्न एवं संपूर्ण होकर साकार लोक में पहुंचकर अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर पुनः विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे संस्कार सातों मौलिक गुणों से संपन्न हो गए हैं, इसलिए मेरे मन में केवल शुद्ध संकल्प ही उठ रहे हैं। अब मेरा मन एवं बुद्धि दिव्यता से भरपूर हो गए हैं। मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक हो गया है और मेरा व्यवहार मूल्य निष्ठ बन गया है। ओम शांति।